अभी मैं रूब्रिक की एग्जांपल आपको आईटी से, आपकी आईटी की क्लास से देती हूँ कि सपोज आपकी कंप्यूटर की क्लास हो रही है तो, और उसके लिए रूब्रिक अगर बनाना है या कोई होगा तो कोई किस तरह का पॉसिबल ही हो सकता है। देखिए ये इस पे आईटी के क्लास के लिए रूब्रिक बना हुआ है। अकॉर्डिंग टू थ्री एलिमेंट्स, दिस इज एलिमेंट नंबर वन, क्योंकि ये आपका क्राइटेरिया है। दिस इज एलिमेंट नंबर थ्री, ये आपके सॉरी नंबर टू, ये आपके लेवल्स हैं। और ये जो आ रहे हैं इस तरफ सारे, ये आपके तीसरा वाला एलिमेंट है जो कि डिस्क्रिप्टर्स हैं। अब उसमें उन्होंने क्राइटेरिया क्या क्या लिया है कंप्यूटर के लिए। एक उन्होंने टेक्निक ली है, ये आपका रिजल्ट है, ये टाइम है, और इंडिपेंडेंस है कि आप कितना इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। ये डेफिनेटली ये जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे ये उस आपकी कंप्यूटर क्लासरूम के ऑब्जेक्टिव्स होंगे जिसमें से कि उन्होंने ये क्राइटेरिया निकाला है। अब अगर टेक्निक को ले लें फॉर इंस्टेंस, वो कहते हैं कि जो कि एक वैरायटी ऑफ मेथड्स यूज करते हैं टेक्निक, तो वो एक्सीलेंट में आते हैं। और अगर सिर्फ एक या दो टेक्निक्स यूज करते हैं तो वो गुड में आते हैं। अगर सिर्फ एक ही टेक्निक यूज की है तो वो जस्ट बस गुजारे के लायक हैं बस, और अगर कोई भी वो टेक्निक यूज नहीं कर सकते हैं तो अनएक्सेप्टेबल है। टेक्निक मीन्स के ब्राउजिंग की या जो कंप्यूटर की जो टेक्निक्स उस एक्टिविटी के लिए चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद ये है रिजल्ट में उन्होंने कहा है कि अगर वो नैरो कर लेते हैं फोर सर्विस सर्चेस को, नैरो डाउन कर सकते हैं तो वो एक्सीलेंट हैं। अगर वो तीन सर्चेस को नैरो डाउन कर रहे हैं तो बस सेकंड ग्रेड हैं, अगर टू को करते हैं तो बस गुजारा करते हैं, और अगर कोई भी वो सर्च को नैरो डाउन कर ही नहीं पाते तो बिल्कुल हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। सिमिलरली टाइम जो है, अगर वो कंप्लीट करते हैं जो भी उनको टास्क दिया है 20 मिनट्स में तो एक्सीलेंट हैं। अगर उन्होंने 20 से 30 मिनट टाइम ले लिया है तो बस ठीक है, वो बी ग्रेड है। 30 to 40 मिनट जो है वो आपका इसको वो बिल्कुल गुजारे के लायक हैं, और उसके बाद अगर वो कर ही नहीं पाते तो वो हमें नहीं चाहिए। अब आपने नोट ये करना है कि एक्सीलेंट से जब वो जून जून आगे की तरफ जा रहे हैं तो परफॉर्मेंस क्या हो रही है, परफॉर्मेंस सफर कर रही है। एक्सीलेंट लेवल पे आप देखें सारी आपकी परफॉर्मेंसेज जो थी वो A1 थी। सिमिलरली इंडिपेंडेंस का एलिमेंट है कि वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं अगर, तो वो जो है वो एक्सीलेंट है। अगर वो एक या दो क्वेश्चन पूछते हैं यानी जरा सी किसी की हेल्प लेते हैं तो ओके, वो भी ठीक है, लेकिन अगर वो ज्यादा हेल्प लेते हैं तो बस इसका मतलब है कि गुजारा कर सकते हैं, और अगर उनको सारा वक्त ही कोई हेल्पर अपने साथ चाहिए है तो फिर वो हमें नहीं चाहिए हैं। अब एक्सीलेंट लेवल की 1 मिनट में सारी मैं परफॉर्मेंसेस को उठाती हूँ तो आप देखें कि उसमें वो क्या है कि टेक्निक, वो बहुत सारी टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, फिर टेक्निक्स को यूज करके जो उनकी सर्च आई है उसको वो नैरो डाउन कर सकते हैं, ये टेक्निक्स वो यूज कर सकते हैं, सर्च को नैरो डाउन कर सकते हैं, अपना टास्क जो है वो जस्ट 20 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं और इंडिपेंडेंटली कर लेते हैं। आप इसको जूं जूं आगे की तरफ अब आप जाएंगे, ग्रिड में मूव करते जाएंगे, एक्सीलेंट से लोअर की तरफ जाएंगे तो सारी परफॉर्मेंसेस जो जो भी उन्होंने क्राइटेरिया बनाया हुआ है ना, सारी परफॉर्मेंसेस जो हैं उस पे इफेक्ट होंगी कि वो नंबर एक्सीलेंट से नंबर टू पे चली जाएंगी, नंबर थ्री पे चली जाएंगी और नंबर फोर पे चली जाएंगी जो कि हमें चाहिए ही नहीं है, वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। तो इस तरह से जो आप देखें तीन एलिमेंट्स इसके अंदर थे, ये आपकी आईटी की क्लास से कंप्यूटर के लिए ये ग्रिड बना हुआ है। और आप जनरली भी अपने उसकी आप इंटरनेट पे बैठ के किसी भी सर्च में डाल के अगर आप रूब्रिक्स डाल के इसको देखें तो आपको सैकड़ों रूब्रिक्स नजर आ जाएंगे जो कि एक मुख्तलिफ चीजों के लिए बने होंगे, और लेकिन उसमें ये तीन एलिमेंट जरूर होंगे जिसमें के क्राइटेरिया, लेवल एंड डिस्क्रिप्टर्स। ये अभी जो मैंने डिस्कस किया है ये आपके कंप्यूटर की क्लास का था, और इसमें भी आप देखिए कि तीनों एलिमेंट्स मौजूद थे। और दूसरा ये चीज आप नोट कीजिए कि कैसे वो एक्सीलेंट से जब आप बिल्कुल लोअर की तरफ गए तो आपका वो ग्रेजुअल मूवमेंट है और आपकी जो है वो परफॉर्मेंस हर चीज में डाउन जा रही है, और उन्होंने हर उस चीज को स्पेसिफाई किया हुआ है हर परफॉर्मेंस की। देखिए ना, जस्ट ये कह देना कि कंप्यूटर का एक टास्क मैं चेक कर रहा हूं या कर रही हूं, और उसको फिर आप ये स्मॉल पीसेस में, ये चंक्स में जब आप डिवाइड कर देते हैं तो कितनी किस्म की चीजें आपके पास आ गई, या कम से कम 16 टाइप्स आ गई आपके पास परफॉर्मेंस जो है मुख्तलिफ, और इनके ऊपर आप अगेंस्ट वो देख के स्टूडेंट्स के, इनके अगेंस्ट आप स्टूडेंट्स के काम को देख सकते हैं और आप मार्किंग कर सकते हैं।